आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए, जबकि 7 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 1, देहरादून में 3, नैनीताल में 7, पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग में 1, उधमसिंह नगर में 2 मामले सामने आए। वहीं बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल और टिहरी में बीते 24 घंटे में कोई कोरोना का मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में अब 335 केस एक्टिव हैं, सर्वाधिक 123 केस देहरादून के हैं। प्रदेश में डेल्टा प्लस के मरीज बढ़े पर कोरोना जांच में 62% की कमी। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्य में सैंपलों के जांच का ग्राफ गिर रहा है। बीते 7 दिनों में सैंपल जांच में 62% की कमी आई है, जबकि प्रदेश में कोरोना डेल्टा के मरीज लगातार मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोविड टेस्टिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने भी संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रतिदिन 40,000 सैंपल जाँच कराने का लक्ष्य रखा है। वायरस का नया स्वरूप AY12 आया सामने, बढ़ाई गई निगरानी। तो कोरोना वायरस का अब एक नया स्वरूप AY12 सामने आया है। वैज्ञानिक पहले इसे डेल्टा का ही भाग मान रहे थे, लेकिन इसकी सक्रियता की वजह से वैज्ञानिकों को इसे अलग से वर्गीकृत करना पड़ा। भारतीय वैज्ञानिकों में अब नए स्वरूप को लेकर चिंता बढ़ गई है। देश भर की प्रयोगशालाओं में कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग के दौरान AY12 म्यूटेशन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। खेल दिवस पर खिलाड़ियों पर मेहरबानी, नौकरी और छात्रवृत्ति का ऐलान। तो प्रदेश में राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में आयोजित समारोह में खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को एशियन, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड एवं ओलंपिक पदक विजेताओं को विजेताओं की तरह सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रदेश में 8 से 14 वर्ष तक की आयु के 50-50 बालक बालिकाओं को हर साल मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुफ्त बस यात्रा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में खिलाड़ियों का कोटा 5% होगा। तो राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 5% का उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा प्रदान किया जाएगा। समूह ख की भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई। तो राज्य सरकार की ओर से समूह ग की तर्ज पर समूह ख की भर्ती में भी अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। लिहाजा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी 3 भर्तियों में 1 साल की छूट देते हुए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। काबुल में अमेरिका का फिर हवाई हमला, फिदायीन हमलावरों को ड्रोन से उड़ाया। तो अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन रविवार को काबुल में हवाई हमले कर फिदायीन हमलावरों को ड्रोन से उड़ा दिया। अमेरिकी सेना ने कहा कि IS खुरासान के आतंकी काबुल हवाई अड्डे पर फिर बड़े हमले को अंजाम देने जा रहे थे। हमने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी विस्फोटकों से भरी कार पर अमेरिकी हवाई हमले की पुष्टि की है। टोक्यो में भाविना और निषाद ने दिलाए रजत। तो ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों में रविवार भारत के लिए सुपर संडे हो गया। एक ही दिन में 2 रजत सहित 3 पदक देश की झोली में आ गए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 30 सितंबर तक। तो कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यात्रीगण ध्यान दें, 4 धाम जाने वाले मार्ग बंद हैं। तो अगर आप 4 धाम की ओर जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए अपनी यात्रा स्थगित कर दें। 4 धाम जाने वाले सभी मुख्य मार्ग भूस्खलन और भूदशाओं के कारण बंद हैं। अलबत्ता कुछ वैकल्पिक मार्ग खुले हैं, लेकिन इनमें भी यात्रा करना जोखिम भरा है। प्रदेश में रविवार को 288 सड़कें बंद हुई। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 108 चंबा से पहले अवरुद्ध है। अगर आप इस रूट की तरफ जाना चाहते हैं तो देहरादून मसूरी सुआ खोली होते हुए चंबा पहुंच सकते हैं। यमुनोत्री जाने के लिए भी सभी वैकल्पिक मार्ग का सहारा लिया जा सकता है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58
गुलाबकोटी, चमोली, तपोवन और मलेथा में भारी मलबा आने के कारण बंद है। रुद्रप्रयाग में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मरीज मिला, तो जिले में कोरोना के डेल्टा प्लस संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। मरीज में अब तक कोई लक्षण नहीं है, उसे होम आइसोलेशन में रख प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमण के 15 मामले मिले हैं। उधम सिंह नगर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 5 हुई, एक लापता, तो जिले में सिडकुल के 2 कर्मियों समेत 3 और लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। किसानों पर लाठीचार्ज का विरोध, पंजाब व हरियाणा में सड़कें जाम, तो करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर शनिवार शाम को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में रविवार को पंजाब व हरियाणा के किसानों ने बहादुरगढ़, जींद सहित कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। 2 सप्ताह बाद फिर मिले ब्लैक फंगस के मरीज, तो प्रदेश में बीते 2 सप्ताह के बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। कुल मरीजों की संख्या 576 हो गई है, जबकि 131 मरीजों की मौत हो चुकी है। 3 भर्ती परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ाई, तो आयोग की सहायक भू वैज्ञानिकी की अंतिम तिथि अब 17 सितंबर कर दी गई है, जबकि सभी दस्तावेज आयोग दफ्तर में भेजने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी भर्ती परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर कर दी है। आवेदन की बाकी शर्तें पूर्ववत रहेंगी। वहीं आयोग की ओर से चल रहे सहायक अभियोजन अधिकारी पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आवेदन से जुड़ी बाकी शर्तें यथावत रहेंगी। इन तीनों भर्तियों में आयु की गणना 1 जुलाई 2021 के आधार पर की जाएगी। कुमाऊं में आस्था के साथ मनाया सातू पर्व, तो कुमाऊं का प्रमुख लोक पर्व सातू रविवार को आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार यानी आज आटू के मौके पर गमरा दीदी को लेने महेश्वर बिना पहुंचेंगे। बिना वैक्सीन सरकारी राशन और पेंशन नहीं, तो कोविड टीकाकरण की 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। ऐसे पेंशन धारकों को समाज कल्याण विभाग की पेंशन और सरकारी राशन नहीं मिलेगा जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया है। सीएम सर शिक्षक भर्ती की ठीक से पैरवी कराइए, तो बेसिक शिक्षक भर्ती कराने की मांग को लेकर के आंदोलित डैड डीएलएड परिषदों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में प्रभावी ढंग से पैरवी कराए जाने से यह मामला सुलझ सकता है, लिहाजा महाधिवक्ता से भी इस केस की पैरवी कराई जाए। सीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शनिवार देर शाम प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सीएम से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम को बताया कि पिछले 24 दिन में बेरोजगार शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे हैं। हाईकोर्ट में इस केस की ठीक से पैरवी की जाए तो इस पर फैसला आ सकता है। इधर बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल का कहना है कि माननीय हाईकोर्ट में यह विचाराधीन है, अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, 1 को सुनवाई प्रस्तावित है। 15 को सीएम आवास घेरेंगे बीपीएड बेरोजगार, तो हर स्कूल में व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदेश में बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ 15 सितंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे। कांग्रेस आई तो सारे खाली पद भरेगी, तो रायपुर में रविवार को कांग्रेस के ज्वाइनिंग कार्यक्रम में भीड़ को साधने में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में सारे खाली पद भरे जाएंगे, हर साल 10% पद सृजित किए जाएंगे, न्याय योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती रोस्टर पर उठाए सवाल, तो वन विभाग में वन दरोगा के बाद अब फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भी रोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बेरोजगारों ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 894 पदों के मुकाबले सामान्य पुरुषों के लिए महज 71 पद शेष रहने पर आपत्ति दर्ज की है। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों के लिए उत्तराखंड राज्य चयन आयोग की तरफ से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन विभाग ने इसके लिए जो रोस्टर जारी किया है
वो विवादों के घेरे में आ गया है। बेरोजगारों के मुताबिक 894 पदों के मुकाबले सामान्य वर्ग के खाते में 473 पद आए हैं, लेकिन इनमें पुरुष वर्ग के लिए महज 59 सीटें ही आ रही हैं। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक भी सीट नहीं दी गई है। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम गंडवाल ने कहा कि पूर्व में पटवारी और लेखपाल की भर्ती का रोस्टर भी इसी तरह से गलत बनाया गया था। गंडवाल ने विभाग और आयोग को अपनी गलती को दूर करते हुए नया रोस्टर जारी करने को कहा है। उत्तराखंड राज्य चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने कहा कि रोस्टर का निर्धारण विभाग के स्तर पर होता है, इसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं है। अफसर करेंगे छात्रों के बैग में किताबें चेक, तो स्कूल आने वाले हर छात्र छात्रा के अनिवार्य रूप से किताबें उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने नया फरमान जारी किया है। शिक्षा विभाग के अफसरों को लगातार औचक रूप से स्कूलों का मुआयना करते हुए छात्रों के बैग भी चेक करने होंगे। यदि छात्र के पास किताब नहीं होगी तो संबंधित स्कूल प्रबंधन से लेकर CEO स्तर तक के अधिकारी जवाबदेह होंगे। अल्मोड़ा बागेश्वर में झमाझम बारिश से 12 से ज़्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। तो बीते शुक्रवार से जिले भर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे बढ़ती तपस से लोगों को राहत मिली है। वहीं बारिश के बाद मलबा आने से 5 ग्रामीण मोटर मार्ग में यातायात बाधित रहा। हाईवे खोलने को ITBP और SDRF पहुंची, तो स्वाला के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 7वें दिन भी बंद रहा। रविवार को SDRF की टीम को पहाड़ी में लगे 2 पेड़ों को गिराने भेजा गया, लेकिन SDRF की टीम पेड़ों को गिराने में सफलता नहीं मिल पाई। टनकपुर और बनबसा में भारी बारिश से जलभरा हुआ है। सड़कें बंद होने से पर्यटन नगरी अलग थलग, तो बारिश के बाद बंद सड़कें सीमांत के लोगों का दर्द बढ़ा रही हैं। अब फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकेगी पुलिस। तो अब यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों को केवल तस्वीर के आधार पर चालान नहीं कटेगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर दिया है। यह संशोधन उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। इसके तहत चालान काटने के लिए तस्वीर नहीं बल्कि वीडियो का सबूत रखना पड़ेगा। प्रदेश में 1 सितंबर से शुरू होगा प्रवेशोत्सव अभियान। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में 1 सितंबर से प्रवेशोत्सव अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत अधिक से अधिक बच्चों के एडमिशन के प्रयास किए जाएंगे। पहाड़ों से गिर रहा मलबा और पत्थर बने मुसीबत। तो रविवार को प्रदेश में 78 सड़कें खोली, 108 फिर से बंद हो गई। राज्यपाल ने प्रदेश वासियों को दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पर्व की शुभकामनाएं। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेश वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से समाज में व्याप्त प्रसन्नता का प्रतीक पर्व है। वही खबर यह रुड़की से पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास। तो पत्नी को जहर देकर मारने के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश हरिद्वार रितेश कुमार श्रीवास्तव ने 4 साल बाद साक्ष्यों के आधार पर पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। उत्तरकाशी की पीहू बनी मिसेज उत्तराखंड। तो शहर की बहू पीहू नोटियाल ने मिसेज उत्तराखंड का खिताब अपने नाम किया है। वही खबर है उत्तरकाशी से नाबालिग के अपहरण के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया गया। तो नाबालिग लड़की का अपहरण कर छेड़छाड़ के आरोप में डूंगा राजस्व पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेरोजगार फार्मासिस्टों ने 11वें दिन भी दिया धरना। PWD ने स्वच्छता के नाम पर खोद दी 2 पुल की कब्र। तो साल भर पहले CC ब्लॉक बनाने के लिए पुल के आसपास हुआ था खनन, बन गए थे 6 से 9 फीट के गहरे गड्ढे। तो PWD ऋषिकेश ने रानी पोखरी मोटर पुल के नीचे जाखन नदी में मोटर पुल की सुरक्षा के लिए CC ब्लॉक बनाने का काम नहीं किया होता तो शायद आज भी खड़ा होता। लोक निर्माण विभाग ने CC ब्लॉक निर्माण के लिए 40 लाख खर्च किए थे।
आज घर घर पधारेंगे लड्डू गोपाल, गूंजेगी बधाई। तो नंदलाल के जन्मोत्सव को लेकर के उत्साहित दून वासियों ने भव्य तैयारियां कर ली हैं। कबूतरबाजी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, तो विदेश भेजने के नाम पर हजारों युवाओं को ठगा। राजपुर रोड पर चला रहे थे एजेंसी, एसटीएफ ने बरामद किए दस्तावेज। भूस्खलन में 3 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त, 1 घायल। तो मसूरी से खबर आई है। वही खबर है, डोईवाला से पिकअप वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। छोटे भाई को ढूंढने निकले 3 बच्चे, माँ की डर से 140 किलोमीटर दूर दादा के पास पहुंचे। तो छोटे भाई को ढूंढने के लिए घर से निकले 3 बालक, 2 लड़के व 1 लड़की घर से निकल गए। परिजनों की सूचना पर पुलिस रात भर ढूंढती रही। अगले दिन पता चला कि बच्चे माँ की डर के कारण 140 किलोमीटर दूर दादा दादी के पास पहुंच गए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो बैंक में ऑफिस असिस्टेंट सहित कई पद खाली, तो बैंक ऑफ इंडिया में 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर के क्षेत्र में आवेदन का अवसर, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से 83 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में टेक्नीशियनों की रिक्तियाँ, तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 306 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है, जोशीमठ से हाईवे पर बहाल हुई आवाजाही, मिली राहत। तो भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी हाईवे आखिरकार रविवार को 16वें दिन देर शाम सुचारू हो गया। BRO ने ट्रायल के रूप में हाईवे पर पहले अपने वाहनों की आवाजाही करवाई, इसके बाद नीति घाटी के छोटे वाहनों की आवाजाही कराई गई। हाईवे सुचारू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। चंबा ऋषिकेश हाईवे पर 3 दिन बाद दौड़े वाहन। चिन्यालीस से खबर है, चोरी का खुलासा नहीं होने से गुस्साए लोगों ने थाना को घेरा। मामा के दोस्त ने नाबालिग से की छेड़खानी, गिरफ्तार। तो पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। बर्फानी 11 ने जीती हॉकी प्रतियोगिता। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर जिला स्तरीय हॉकी मुकाबले का आयोजन किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो बारिश ने हरे किए सड़कों के जख्म, तो संपर्क मार्ग पर बने गड्ढे हुए गहरे, जल भराव और कीचड़ से चलना दुश्वार है। दिवाली से पहले शिक्षकों को प्रमोशन का तोहफा, तो विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, सरकारी स्कूलों में हेडमास्टरों की कमी भी दूर होगी। दिन में बनाते थे मकान और रात में चोरी। तो हरिद्वार से खबर है, दिन में राजमिस्त्री का काम करने वाले युवक रात में बंद कमरों में चोरी को अंजाम देते। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो जन्माष्टमी आज घर घर बजेगी बधाई, जन्मेंगे कनाई। वहीं खबर है, यह हल्द्वानी से 2 गांव तक ट्रैफिक के मोर्चे पर लगाई PAC। तो काठगोदाम नैनीताल हाईवे पर भारी वाहनों को नहीं जाने दिया, यात्री वाहनों का संचालन सुचारू किया गया। MBBS की पढ़ाई पर 1 सप्ताह के लिए रोक। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS के 7 और छात्र छात्राएं रविवार को पॉजिटिव आ गए, जबकि 1 महिला अटेंडेंट भी कोविड पॉजिटिव आई है। मेडिकल कॉलेज में MBBS की प्रथम से लेकर पंचम वर्ष तक की सभी कक्षाएं 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी हैं। वहीं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना हॉस्टल। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोविड के 20 नए मामले आने के बाद DM धीराज सिंह गर्ब्याल के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने मेडिकल कॉलेज के छात्रावास 1 और छात्रावास 2 को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है। वही खबर है, हल्द्वानी से 2 महिलाओं ने दर्ज कराया दुष्कर्म का मुकदमा। तो 2 महिलाओं ने ससुराल वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। 1 महिला ने देवर के खिलाफ दुष्कर्म, जबकि दूसरी महिला ने पति पर कुकर्म करने का आरोप लगाया।
हल्द्वानी से खबर है, चालक को आई झपकी, शटर तोड़कर दुकान में घुसी कार। तो बरेली रोड स्थित मंगल पड़ाव क्षेत्र में रविवार रात एक अनियंत्रित कार शटर तोड़कर के दुकान के अंदर घुस गई। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, नियोली सेरा में जान जोखिम में डालकर आवाजाही। तो 2017 में टूटे पुल का अब तक नहीं किया गया निर्माण। वही खबर है, पिथौरागढ़ से फर्जी हस्ताक्षर पर खड़िया खनन के लिए बना लिए गए अनुबंध पत्र। तो विजेता के ग्रामीणों ने लगाया शिकायत के बाद भी मामले की जांच नहीं करने का आरोप। वहीं बनबसा से खबर आई है, इसमें के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। किलपुरा के जंगल में तेंदुए के हमले से युवक घायल। तो खटीमा वनबसा से खबर आई, किलपुरा रेंज के जंगल में भैंस चराने के लिए गए युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। घायल हालात में उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही खबर है, टनकपुर से जहर खुरानी का शिकार बना यात्री पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। नाचने पिथौरागढ़ से खबर आई, कांग्रेस ने फूका भाजपा सांसद का पुतला। तो समकोट के मोबाइल टावर का श्रेय लूटने का आरोप लगाया। वही खबर है, बागेश्वर से हरसिंगिया बगड़ मार्ग ध्वस्त, 6 गांवों का संपर्क कट गया है। चौखुटिया अल्मोड़ा से खबर आई है, जुड़ंगा में 2 भवनों में लगी आग। तो आग की चपेट में आकर घर में रखा सारा सामान जल गया। बागेश्वर से खबर आई है, रोडवेज की 3 बस सेवाएं बंद। तो बागेश्वर में रोडवेज की 3 बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मैराथन में गौरव, दीपा और प्रदीप जीते। तो खेल दिवस के अवसर पर विकास खंड के बाजन में स्वर्गीय वीर सिंह गुगतियाल मेमोरियल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें गौरव अधिकारी, दीपा मेहरा, प्रदीप शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किए। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, खटीमा में सातु आटू पर्व का शुभारंभ किया गया। पंत विश्वविद्यालय 974 ने दी प्रवेश परीक्षा। तो पंत जीबी पंत विश्वविद्यालय ने परा स्नातक में प्रवेश के लिए रविवार को देहरादून और पंतनगर के केंद्रों पर परीक्षा हुई कि दोनों केंद्रों पर 974 छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि 238 अनुपस्थित रहे। कल सीएम के गृह क्षेत्र में कूच करेंगे आशाएं। तो आशा कार्यकर्ताओं की 28वें दिन भी हड़ताल जारी रही।